हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुप्रिया। क्या आपको पता है कि आप में एक ऐसी पावर है जिसका अगर आप सही से यूज कर सकोगे तो आप किसी को भी अपनी याद दिलवा सकते हैं। क्या आप सब लोग ये सुन के चौंक गए? पर मैं तो आप सब लोगों को सच बात बता रही हूँ। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है और इसका यूज करके आपको किसी को अपनी याद दिलवानी है तो ये वीडियो एंड तक देखिए। तो चलिए देखते हैं कि इसे करते कैसे हैं। अगर आप सब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा एवरीथिंग इज एनर्जी। हर चीज एक एनर्जी है और हम सब लोग एनर्जी की वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस एनर्जी का यूज करके हम जो चाहते हैं उसे कर सकते हैं और हमारी विश को और हमारी इंटेंशन को पूरी करने के लिए यूनिवर्स खुद आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि यूनिवर्स भी खुद एक एनर्जी है। आपके आसपास हमेशा एक डिवाइन एनर्जी होती है। आप हर पल एक डिवाइन एनर्जी से जुड़े हुए होते हैं। तो अगर आप इसका सही से यूज करते हैं तो किसी भी पर्सन से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं और उसे अपनी याद दिलवा सकते हैं। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले आपको एक काम जगह पे, मतलब शांत जगह पे बैठना है जहां पर कोई भी आपको डिस्टर्ब ना कर सके, और आपको मेडिटेशन की मुद्रा में चले जाना है। आपको डीप ब्रीथ लेनी है। यूजुअली आप 3 ब्रीथ से शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद आपको उस पर्सन के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है जिसे आप अपनी याद दिलवाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हो तो आप उस पर्सन को क्लियरली विजुअलाइज करने के लिए मेडिटेशन से पहले 2 मिनट तक उस पर्सन की फोटो को भी देख सकते हैं। ऐसा करने से मेडिटेशन से पहले आपकी लास्ट मेमोरी उस इंसान का चेहरा होगी। अब आपको अपने दिल पे हाथ रखना है। आप अपने दिल पे हाथ रख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप अपने हार्ट चक्र से जुड़ गए हो। आप फील कर सकते हो अपने अंदर की और बाहर की एनर्जी को। जैसे जैसे आप डीप ब्रीथ लोगे, आपकी एनर्जी और स्ट्रॉन्ग हो रही है। आप ये फील कर पा रहे हैं। जब आपकी एनर्जी बढ़ रही है, आप उस इंसान के बारे में सोच रहे हैं। आपको पहले से ही पता है कि आपको उस इंसान को क्या मैसेज पास करना है। आप इमेजिन कर रहे हो, आप आपका मैसेज खुद उस इंसान को दे रहे हो ताकि उसे आपकी याद आ जाए। आप आपका मैसेज एनर्जी से उस पर्सन तक चैनलाइज कर रहे हो ताकि उस पर्सन को आपकी याद आ जाए। आपके गार्डियन एंजल्स आपकी इस प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं। आप जो भी एनर्जी और वाइब्रेशन उस पर्सन को भेज रहे हैं, वो पर्सन इसे फील कर पा रहा है। वो पर्सन आपकी एनर्जी वाइब्रेशन को पहचानता है और वो अब आपको महसूस कर सकता है। आप उसे अपनी याद दिलवाने में सक्सेसफुल हो चुके हो, क्योंकि आप अपनी इनर एनर्जी से उसके साथ जुड़े हुए हो। अगर आप अपने मैसेज को अपनी एनर्जी के साथ उस पर्सन को भेज सकते हैं तो वो पर्सन आपको जरूर याद करेगा, भले ही वो इस दुनिया में किसी भी कोने में या किसी भी कंडीशन में हो। ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप किसी को भी अपनी याद दिलवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिगार्डिंग किसी भी चीज में हेल्प चाहिए या आपको किसी भी सवाल का जवाब चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मुझे पता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप इस वीडियो को लाइक करोगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करोगे। अगर आपको यूनिवर्स के साइंस के बारे में और पता करना है तो आप इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं, और मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ लवली एंड मैजिकल डे और नाइट।